अभी मैं चाह रहा हूँ किया सोनेट IMT 2023 डीजल मॉडल 1.5 लीटर इंजन के साथ गाड़ी IMT मॉडल है, इसको क्लच नहीं है। और तो अपने को यहाँ पर किया सोल्टोस जैसी अच्छी खासी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा पॉइंट यही लग जाता है कि इसका माइलेज इंप्रूव हो जाता है। बोनेट विजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलती है जो है, और अभी हम हाईवे पे लग चुके हैं। जो ह्यूंडई वेन्यू के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं तो गाड़ी इसको टक्कर किया सोनेट दे सकती है। हम इसकी क्वालिटी भी अगर मैं बोलूं, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ठीक है, फाइनली जाके ह्यूंडई वेन्यू को छोड़ के इसके कंपैरिजन में मैं किया की सोनेट है, जिसका मैंने से पहले मैंने इसका आउटर रिव्यू दिया है, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन आज ओरिजिनली जाके चेक करेंगे कि क्या गाड़ी का रिस्पांस आता है किया सोनेट का, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली पर्सपेक्टिवली बनाने का एक ही ओपिनियन है कि सबसे पहले तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, गाड़ी का रिव्यू अच्छा खासा मिल जाएगा, मैं गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किया सोनेट 2023 डीजल IMT फुल रिव्यू, ठीक है। तो वीडियो चालू करते हैं। सो गाइस, जिस तरीके से गाड़ी का इंटीरियर है, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, अंदर से ऐसी सीट्स आती है। यहाँ पर मैं IMT डीजल में बैठा हूँ, ठीक है। 1.5 लीटर इसका इंजन है और वेंटिलेटर सीट इसको मिलती है, जो कि ह्यूंडई वेन्यू का नहीं मिलती। इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, ये गियर है, ठीक है। और यहाँ पर क्लच नहीं आता IMT के होने की वजह से, सिर्फ ब्रेक लगा के हम गियर शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हैंड ब्रेक आता है, ये स्टेयरिंग कंट्रोल है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो इसका अपने को डिजिटल क्लस्टर इस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये सब है, डीजल गाड़ी होने की वजह से थोड़ी बहुत साउंड और नॉइज आती है, ठीक है। यहाँ पर अपने को ऑटोमेटिक सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टॉप मॉडल होने की वजह से ऊपर रूफ मिल जाता है, ठीक है। बस ऑटोमेटिक शिफ्टर नहीं है, जो कि ऑटोमेटिक कार को आता है, ठीक है। बाकी इस तरीके से अपने को इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन मिलती है, और यहाँ पर अपने को सब कंट्रोल मिलते हैं, AC के और ऑटो के, ठीक है, रियर के। और यहाँ पर अपने को पार्किंग लाइट मिल जाती है, ठीक है। और ये रियर व्यू का है, ठीक है, अपने को जगह से व्यू मिल जाता है कैमरे का। यहाँ पर है, अगर आते हो तो यहाँ पर अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। और बाकी हेडलाइट का है, यहाँ पर अपने को इस तरीके से डिजिटल क्लस्टर की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से सब आता है। यहाँ पर अपने को क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो कि हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने को ऊपर रूफ मिलता है, ये सोनेट का रूफ है। बस अंदर की थोड़ी सी जगह जो है वो कंजेस्टेड है, ठीक है, मैं अगर मैं बैठा हूँ इसीलिए, हाइट ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। बाकी अगर गाड़ी बाहर से दिखाऊं तो बाहर से भी एक बार मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से अंदर है। यहाँ कर अगर अपने को अच्छे खासी प्लास्टिक क्वालिटी मिल जाती है, ये इसके कंट्रोल्स है सब। तो अभी मैं चाह रहा हूँ किया सोनेट IMT 2023 डीजल मॉडल 1.5 लीटर इंजन के साथ गाड़ी आ जाती है, जो कि अच्छी खासी 23 की माइलेज प्रीफर करती है। IMT मॉडल है, इसको क्लच नहीं है, ब्रेक और एक्सेलेटर यहाँ पर है। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो फुल्ली गाड़ी ऑटोमेटिक है, ऊपर अपने को अच्छा खासा सनरूफ मिल जाता है। सामने की सीट अगर मैं बोलूँ तो वेंटिलेटर सीट अपने को यहाँ पर मिल जाती है। गाड़ी की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे जाती है, जो कि नाइट में अच्छा खासा अपने को इसकी ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो अपने को यहाँ पर किया सोल्टोस जैसी अच्छी खासी फुल्ली ऑटोमेटेड और एक तरीके से मैं बोलूंगा कि अच्छी खासी विजिबिलिटी देने की अपने को यहाँ पर स्क्रीन मिल जाती है, जो कि कंपनी से ही मिल जाती है, ठीक है। पेट्रोल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन के साथ जाता है, जो कि
IMT में भी पेट्रोल मिल जाता है, ठीक है, 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ। बाकी अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली है। गाड़ी के अगर स्टेयरिंग सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो किया की जो सेंसिटिविटी है वो Hyundai Venue जैसी अच्छी खासी अपने को यहाँ पर मिल जाती है, जो कि हम ऐसे जब घाट पे होते हैं, जब हाईवे पे होते हैं, तो अपने को स्मूथनेस मिल जाती है, ठीक है। तो बात करूँ मैं अगर गियर शिफ्टिंग की, तो गियर शिफ्टिंग का यहाँ पर मैं IMT मॉडल ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसका प्लस पॉइंट यही लग जाता है कि इसका माइलेज इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि क्लच शिफ्टिंग के साथ साथ अपने को थोड़ा माइलेज घट जाता है, जो कि स्पीड ब्रेकर आने के बाद और जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो तब अपने को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जब हम क्लच को आगे पीछे शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में माइलेज अच्छा खासा कम हो जाता है, जो कि यहाँ पर अपने को प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो कि Hyundai Venue में भी अगर हम IMT की बात करें तो जब मैं ले रहा था तब मुझे नहीं मिला था, ठीक है। बाकी अगर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस लगभग अपने को 207 mm की अपने को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अलॉय व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर अपने को 16 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ये गाड़ी की ORVM की अच्छी खासी विजिबिलिटी है, मतलब अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो वो अपने को अच्छी खासी विजिबिलिटी ORVM से देता है, ठीक है। IRVM की अगर मैं बात करूँ तो IRVM में भी अपने को अच्छी खासी बैक की विजिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। बोनेट विजिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम मिल, हाइट ज्यादा होने की वजह से रूफ में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आती है हेड को, ठीक है। तो बोनेट विजिबिलिटी मुझे तो अच्छी खासी दिख रही है, लेकिन जिनकी हाइट कम है उनको सीट एडजस्ट करके गाड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर AC वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो कि फैंसी और क्रेटा के हिसाब से आते हैं, और गाड़ी के यहाँ पर सब कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ हॉर्न की, तो हॉर्न भी अपने को प्रीमियम यहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी के कलर की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी का कलर अपने को यहाँ पर सिल्वर प्रीमियम मिल जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है। बाकी अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी के जो अलॉय व्हील है वो यहाँ पर अपने को क्रिस्टल कट्स अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि कंपनी अपडेटेड यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं। सब बिल्कुल भी मुझे टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, गाड़ी ऑटोमेटिक अच्छा खासा गियर शिफ्टिंग का रिस्पांस दे रही है, ठीक है। अभी हम हाईवे पे लग चुके हैं, तो सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ के मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है, और अभी हम हाईवे पे लग चुके हैं, जो कि यहाँ पर स्पीड लिमिट होगी। लेकिन अगर मैं डीजल की 1.5 लीटर इंजन के साथ अगर मैं बात करूँ तो हाईवे एक्सपीरियंस अपने को यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि मैंने Hyundai Venue से पहले किया सोनेट ड्राइव की थी, नेक्सॉन ड्राइव की थी, लेकिन अगर मैं Hyundai Venue के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं तो गाड़ी इसको टक्कर किया सोनेट दे सकती है, क्योंकि गाड़ी का उस तरीके से अपडेटेड वर्जन कंपनी ने निकाला है, तो ये प्लस पॉइंट लग जाते हैं। बाकी अगर बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो बूट स्पेस अपने को यहाँ पर 392 लीटर का अपने को यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा एक फैमिली के लिए जब टूर पे जाती है या फिर बड़े ट्रिप के लिए जाती है तो ये गाड़ी कंफर्टेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने को गाड़ी चलाते टाइम अभी मैं लगभग 74-72 के स्पीड पर हूँ, और गाड़ी अच्छी खासी रिस्पांस दे रही है स्मूथनेस के साथ डीजल इंजन होने के बाद भी। और यहाँ पर अपने को अच्छी खासी रियर, मतलब बैक की जो कैमरा है, बैक का जो कैमरा है वो अपने को यहाँ पर अच्छी खासी विजिबिलिटी देता है, जो कि Venue में ये कम फीचर्स आते हैं, ये मैंने अभी नोटिस किया, क्योंकि जब तक हम चीज़ को सामने से नहीं देखते कंपेरेटिवली अपने चीज़ के साथ साथ, तो तब तक वो चीज़ें कंपेरिजन हम डेफिनेटली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर सब कंट्रोल मिल जाते हैं। अभी मैं गाड़ी हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे सब जो फीचर्स है या फिर जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स है वो कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। सॉरी, गाड़ी अभी थर्ड ईयर में, एक तो मैं क्लच नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि गाड़ी किस गियर में शिफ्ट करनी है, ठीक है। अभी गाड़ी फोर्थ गियर में, यहाँ पर अपने को RPM के हिसाब से स्पीड एडजस्टमेंट दिखाया जाता है। ऐसा हाईवे पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर किया सोनेट वर्सेस Hyundai Venue वर्सेस टाटा नेक्सॉन वर्सेस अगर कोई अच्छा खासा ओनर डिसाइड कर रहा है कि मुझे मेरे हिसाब से टॉर्क के, पावर के, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स से हिसाब से अगर मेरा बजट अच्छा खासा है वो मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ही रिटर्न मारता हूँ, बिकॉज अच्छी खासी शाम हो रही है और गाड़ी एकदम प्रीमियम लगती है, मतलब ऐसा नहीं है, डाउटफुल नहीं है, जैसा मैं डाउटफुल था उस तरीके से डाउटफुल नहीं है, क्योंकि मैंने जो गाड़ी ड्राइव की थी वो थोड़ा बेस मॉडल थी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल में से ही ज़्यादा से ज़्यादा मैंने किया ड्राइव करी, तो वो उसके सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर अपने को प्रीमियम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं बाहर से, एक बार मैं गाड़ी आपको दिखाता हूँ लास्ट में, यहाँ पर अपने को स्पीकर मिल जाते हैं, ठीक है।
इस तरीके से गाड़ी का इंटीरियर है, गाड़ी का एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अपने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग बहुत ही ज्यादा लाइट है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छी लगी वो है इसकी इंडिकेटर साउंड, जो कि मतलब टिक 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 ऐसे नहीं करती, अच्छा खासा साउंड रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। अभी गाड़ी टर्न करनी पड़ेगी। इसकी एक अच्छी खासियत है कि गाड़ी को क्लच दबा के, ब्रेक दबा के फिर अपने रुकने को नहीं पड़ता। अगर गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ दोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रुकने का रिस्पांस अच्छा खासा दे जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि रोकने पर कष्ट करो। ठीक है, मैं गाड़ी को टर्न कर सकता हूँ विदाउट स्टेयरिंग रिस्पॉन्स। अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी इसका अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अपने को एक किया सॉलिड 1.5 लीटर इंजन के साथ, जो कि गाड़ी आईएमटी में आ जाती है, वहाँ पर अपने को मिल जाती है, ठीक है। मैं एक तरीके से बोलूँ तो गाड़ी, मैं सच में बोल रहा हूँ, गाड़ी अगर है तो वो एक तरीके से वर्थ फॉर मनी है, ठीक है। अगर मतलब फीचर्स के साथ साथ अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो वो वर्थ फॉर मनी है, ठीक है। अगर मैं कलर की बात करूँ तो मुझे प्रीमियम सिल्वर और व्हाइट कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ब्लैक कलर उस तरीके से एग्रेशन का रिस्पांस देता है, जो कि नाइट में बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। इसीलिए प्रीमियम सिल्वर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गाड़ी का वो कलर सॉफ्टली आ जाता है, ठीक है। और हाईवे रिस्पांस भी इसका अच्छा खासा है। गाड़ी अभी मैं 80 के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, 85, 87, 86, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा एक्सीलरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि गाड़ी अच्छे खासे पावर अपने साथ लेके चल रही है, ठीक है। आईएमटी होने की वजह से पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रही है, ठीक है। तो ये अपने को अच्छा खासा रिस्पांस यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अच्छा खासा रियर कैमरा भी मिल जाता है, जो कि हम इसकी क्वालिटी भी अगर मैं बोलूँ तो अच्छी खासी HD में क्वालिटी अपने को मिल जाती है, जो कि ऐसा धुंधला धुंधला और ब्लर ब्लर नहीं दिखता, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चीज़ नोटिस की है जो कि गाड़ी की, तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि उसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा पर्पल कलर में जो धुंधला धुंधला रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है, मतलब कंपनी ने हर चीज़ जो है वो अपने तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉप लेवल में की गई है। और किया में सबसे बेसमेंट में अगर मैं बात करूँ तो किया सोनेट से किया की जो है वो सेगमेंट चालू हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब सेगमेंट में आती है, लेकिन जो भी सेगमेंट कंपनी ने अभी तक बनाई वो अच्छी खासी बनाई है। मतलब किया सोनेट ले लो, किया सेल्टोस ले लो, या फिर किया कारेंस ले लो, या फिर किया कार्निवल ले लो, वो तो प्रीमियम SUV में आती है, ठीक है। अगर किया कारेंस की अगर मैं बात करूँ तो नॉमिनल SUV आती है, किया सेल्टोस की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने को प्रीमियम SUV में आती है, किया सोनेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को कॉम्पैक्ट SUV मिल जाती है, लेकिन मैं एक तरीके से बोलूँ तो फीचर्स के साथ साथ लोडेड अपने को यहाँ पर गाड़ी मिल जाती है। अभी मुझे एक चीज़ ट्राई करनी है, सामने हाईवे खत्म होने वाला है, मुझे क्रूज कंट्रोल ट्राई करना है। यहाँ पर अपने को क्रूज का जो है मिल जाता है नोटिफिकेशन, देखो यहाँ पर क्रूज आ गया। इसकी मुझे लगता है कोई ना कोई स्पीड लिमिट होगी, उसके बाद ही ये ऑन होता होगा, ठीक है। तो अभी मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन जो अच्छे खासे क्रूज कंट्रोल के ओनर है, क्रूज कंट्रोल गाड़ी के ओनर है, वहां पर उनको ये 25 पता लगती होगी। डिजिटल क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले वो मैं दिखाता हूँ। डिजिटल क्लस्टर में अपने को स्पीड दिखाता है, उसके साथ साथ गियर दिखाता है, जो कि अपने कब शिफ्ट करना है वो दिखाता है। ऊपर अगर मैं देखूँ तो ऊपर अपने को फ्यूल का दिखाता है, कितने किलोमीटर गाड़ी जा सकती है, फ्यूल इकोनॉमी ऊपर अपने को देखने को मिल जाती है। नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर अपने को RPM देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी का आउटर लेयर अपने को यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है। बूट स्पेस यहाँ पर ही मैंने अंदर एक बार दिखाया है गाड़ी का। इस तरीके से गाड़ी का बूट स्पेस है 392 लीटर का, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि वीडियो में दिखानी थी, ठीक है। मैंने किस तरीके से गाड़ी का रिव्यू किया है एक बार अच्छा खासा कमेंट में बताना। ये गाड़ी की बैक स्पेस है, ठीक है, अच्छा खासा दो आदमी अच्छे खासे बैठ सकते हैं, बीच में अपने को आर्मरेस्ट नहीं मिलता, और बाकी यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट और AC वेंट्स मिल जाते हैं। इस तरीके से गाड़ी का इंटीरियर है, ठीक है। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने दिखाया ही है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी। फाइनली जाके
ह्युंडई वेन्यू को छोड़ के मैंने किसी गाड़ी का रिव्यू किया है, ठीक है, जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ मैंने किया। तो जो जो चीजें मुझे माइनस में लग रही थी, अच्छी खासी मुझे प्लस पॉइंट किया सोनेट के पता लग गए, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, ठीक है। जो कि वेंटिलेटरी सीट्स ले लो, गाड़ी का अच्छा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले लो, बस दिक्कत कोई आ रही थी वो हाइट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा मैं रूफ को टच हो रहा था, ठीक है। तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, 1.5 लीटर डीजल इंजन की गाड़ी चलाई है जो कि IMT में आती है। गाड़ी का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी विदाउट क्लच गाड़ी को मैंने चलाया और गाड़ी का इससे माइलेज अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट लग जाता है, बाकी तो प्लस पॉइंट बहुत ही ज्यादा है बिकॉज कंपनी ने उस तरीके से फीचर भी एडवांस कर दिए है और अपग्रेड भी कर दिए है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी, ठीक है। और कुछ अगर कुछ डाउटफुल लगा है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, पुराने तो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, ठीक है।